युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन पहले से ही द्वेष के कारण तिलमिलाया हुआ था। उसने मय दानव द्वारा बने हुए उस महल में प्रवेश किया। उसकी सुंदरता देखकर ईर्ष्यावश उसने आते आते ही द्वारपाल को कठोर वचन कहकर अपना रोष प्रकट कर दिया था और फिर वो युधिष्ठिर महाराज के महल में भ्रमण करने लगा। वो महल अनेक मायावी सुंदरताओं से युक्त था, इसलिए एक स्थान पर दुर्योधन को लगा कि ठोस भूमि है, लेकिन था वहाँ जल और इस भ्रम के कारण वो जल में गिर गया और उसके बाद जो हुआ उसने श्री कृष्ण की लीला में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो क्या था, चलिए आज के इस विशेष श्रीमद्भागवतम कथा में इस रोचक प्रसंग को सुनते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने सुना कि राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करने के बाद अब फिर से यज्ञ आरंभ हो चुका था। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ की पूर्णाहुति पर पुरोहितों और ब्राह्मणों को उनकी संतुष्टि तक दान दिया। इस यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने कुरु वंश के सभी सदस्यों को विभिन्न कार्यों में संलग्न किया हुआ था, जैसे कि भीम को रसोई का कार्यभार सौंपा गया था, द्रौपदी को भोजन वितरण करने का और दुर्योधन को राजकोष के खजाने को संभालना था। अर्जुन बड़े बुजुर्गों की सेवा में संलग्न थे, सहदेव सभी आगंतुकों के स्वागत में और नकुल को सभी वस्तुएं जुटाने का कार्य सौंपा गया था, कर्ण को दान देने का कार्य मिला था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस यज्ञ में अतिथियों के चरण धोने का कार्य कर रहे थे। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो नियम अनुसार अब युधिष्ठिर महाराज को अवभृत स्नान करना था, इसलिए यज्ञ में आए सभी राजा, राजकुमार इत्यादि सहित युधिष्ठिर महाराज और उनका परिवार एक बड़े से जुलूस के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। इस शोभा यात्रा में अनेक संगीतज्ञ, नर्तक और गायक थे। आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे थे और सभी राजा, राजकुमार, स्त्रियां और उनके बच्चे सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थे। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। गुप्तानुभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतत् देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्नृदेव्यो तामातुलेय सखिभिः परिशिच्यमानः सव्रीडहा सविकसद्वदनाविरेजुः तादेवरानुत सखिन् शिशिचूर्दितिभिः क्लिन्नाम्बरा विवृत गात्रकुचोरुमध्यः औत्सुक्य मुक्त कवरा च वनमान माल्यः शोभं दधुर्मलय धियां रुचिरैर्विहारै। नदी पर पहुंचकर इंद्रप्रस्थ के सभी स्त्री पुरुष जल क्रीड़ा करने लगे। वे एक दूसरे के ऊपर जल, तेल, दूध, माखन, दही, हल्दी और कुमकुम फेंककर आनंद पूर्वक खेल रहे थे। अर्जुन और श्री कृष्ण भी अपनी रानियों के साथ एक दूसरे के ऊपर जल फेंककर जल क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय पश्चात फिर पुरोहितों ने महाराज युधिष्ठिर से पत्नी संयाज अनुष्ठान करवाया, जिसे महाराज ने द्रौपदी के साथ संपन्न किया। उसके बाद उन्होंने अवभृत स्नान किया और उस समय वहां आए हुए सभी ने गंगा जी में स्नान किया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने नवीन वस्त्र आभूषण धारण किए और ब्राह्मणों को सम्मानित करते हुए वस्त्र और आभूषण दान में दिए। उसके बाद उन्होंने अपने संबंधियों को भी यथोचित सम्मान प्रदान किया। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सभी ने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। जाते हुए सभी राजा और ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर का गुणगान करते हुए थक नहीं रहे थे, लेकिन उस समय युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को रोक लिया। उनकी प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण और उनकी रानियां कुछ समय और युधिष्ठिर महाराज के साथ इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज अपने सभी भाइयों और श्री कृष्ण के साथ अपने राजमहल में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजमहल की सुंदरता को देखकर दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति अत्यंत द्वेष और क्रोध भर आया। युधिष्ठिर महाराज के इस ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्या से भरे हुए दुर्योधन ने महल में प्रवेश करते ही द्वारपाल पर अपना क्रोध उतार दिया, बिना बात के उसे डांट दिया। उसके बाद राजमहल में प्रवेश करके वो चारों ओर भ्रमण करते हुए उस भवन के ऐश्वर्य को देखने लगा और फिर उसके मन में द्रौपदी का विचार आया। वास्तव में द्रौपदी की सुंदरता को देखकर वो उससे विवाह करना चाहता था,
लेकिन स्वयंवर में वो उसे जीत नहीं पाया और अब द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हो गया था। अब द्रौपदी इस भव्य ऐश्वर्य के साथ उसके शत्रुओं की पति रूप में प्रेम पूर्वक सेवा करती होगी। ये विचार करके दुर्योधन के मन में वो ईर्ष्या का बीज और विस्तृत हो गया। उसका द्वेष अनेक गुना बढ़ गया और हृदय संताप से भर उठा। उस समय श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी उसी महल में रह रही थी। इधर उधर घूमते हुए उनके पैरों के नुपुर मधुर झनकार कर रहे थे। उनके घुंघराले लहराते केश उनके सुंदर मुख कमल की शोभा बढ़ा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज का राजमहल मय दानव द्वारा बनाया गया था। इस महल में अनेक मायावी स्थान थे। उसे रत्न माणिक और बहुमूल्य हीरों से सजाया हुआ था। उसकी सुंदरता इंद्र की नगरी के समान थी। उस महल में कई स्थान ऐसे थे जो मनुष्य को भ्रम उत्पन्न करने वाले थे। जिस स्थान पर बाह्य दृष्टि से जल दिखाई देता वहाँ वास्तव में समतल भूमि होती और जिस स्थान पर भूमि जैसा ठोस स्थान दिखाई देता वहाँ वास्तव में जल से भरा सरोवर होता। वास्तव में इंद्रप्रस्थ का वो महल मय दानव की जादुई कला का उत्कृष्ट नमूना था। वहाँ आया हुआ कोई भी अनजान व्यक्ति उस भ्रम के जाल में अवश्य ही गिर सकता था। ऐसा ही कुछ भ्रम दुर्योधन को भी हो गया। वैसे ही पहले से दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के प्रति द्वेष से तिल मिलाया हुआ था। उसने एक स्थान पर देखा और उसे लगा कि वहाँ भूमि है, लेकिन वास्तव में वो जल से भरा हुआ कुंड था। वो इस माया शक्ति को समझ नहीं पाया और उस स्थान को भूमि समझकर उसमें गिर पड़ा। अब संयोगवश क्या हुआ कि उस समय भीम, अन्य स्त्रियां और राजा भी वहीं उपस्थित थे और दुर्योधन को इस प्रकार गिरा हुआ देखकर वे सब जोर जोर से हंसने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, लेकिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को ही संकेत देकर चुप करवा दिया और फिर वहां उपस्थित सभी लोग दुर्योधन पर हंसने लगे। इस प्रकार अपमानित होने के कारण दुर्योधन का सिर लज्जा से झुक गया। बिना कुछ कहे तुरंत उसी क्षण वो राजमहल से बाहर निकल आया। ये देखकर वहां एकत्रित लोगों को थोड़ा मन में खेद हुआ और सबसे अधिक दुख हुआ युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन श्री कृष्ण चुप बने रहे। वास्तव में ये उन्हीं की इच्छा थी कि दुर्योधन इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए उनकी योजना का एक हिस्सा बने, और हुआ ऐसा ही। इंद्रप्रस्थ में हुए इस अपमान ने दुर्योधन के अंदर द्वेष और प्रतिशोध की ज्वाला को इतना अधिक भड़का दिया कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने महाभारत का महासंहार आयोजित किया और उसके परिणाम स्वरूप अंत में अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई, सभी कौरवों का नाश हुआ। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा और अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि युधिष्ठिर महाराज के राजसु यज्ञ में दुर्योधन को कौन सा कार्यभार सौंपा गया था। आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। इस संपूर्ण कार्तिक मास में हमने देखा है कि आप में से कई श्रोतागण ऐसे हैं जिन्होंने इन सभी कथाओं को ध्यान से सुना है और उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्रतिदिन आप देते रहे हैं। ये देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी टीम द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल हो रहे हैं और आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं। आप सबके प्रतिभाव और कमेंट्स हमें और अधिक प्रोत्साहन देते हैं। इस कथा यात्रा में अगर आप हमें आर्थिक रूप से भी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना यथाशक्ति योगदान भी भेज सकते हैं। तो चलिए इस कार्तिक मास के अंतिम दिनों में अपनी भक्ति प्रक्रिया को और अधिक तीव्र बनाते हैं। बाकी सारे भौतिक कार्यों को कम से कम करके अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन करते हैं और अपने मन में सदैव श्री कृष्ण का चिंतन और मनन करते हैं। मानस देह गेह योगी छुमो अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मराने संपदे विपदे जीवने मराने दाय मम गेला तुया उपदवराने मारो बिराखो भी जो इच्छा तुम्हार मारो
जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तुया तव अधिकार जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर भक्त गृहे जानी जन्म हउ मोर मानस देहो के हो यो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। हरे कृष्णा।